राज्यसभा के अंदर मैंने विस्तार से छोटे किसानों के संबंध में बात कही है और देश का 80-85% वर्ग इसको हम उपेक्षित रख करके देश का भला नहीं कर सकते हैं। हमने उसके लिए कुछ सोचना ही होगा और बड़ी नक्रता के साथ हमने सोचना होगा और मैंने गिन करके बताया है कि छोटे किसानों की कैसी उपेक्षा हुई है, किसानों के नाम पे हुई है, उसमें एक बदलाव बहुत जरूरी है। और आपको भी, ये छोटा किसान जाग जाएगा तो जवाब आपको भी देना पड़ेगा, ये मुझे मैं पूरी तरह समझता हूं। हमारे यहां जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, जमीन का टुकड़ा छोटा होता जा रहा है, परिवार के अंदर जमीन जो है बढ़ जाती है। चौधरी चरण सिंह जी ने तो एक जगह पे ये कहा हुआ है कि हमारे यहाँ किसान इतना जमीन की मालिक है उसकी कम हो रही है कि वो स्थिति ऐसी आएगी कि वो अपने खेत में ही ट्रैक्टर को टर्न करना होगा तो नहीं कर पाएगा, इतना भी जमीन का टुकड़ा होगा। ये चौधरी चरण सिंह जी के शब्द है। तो ऐसी जब चिंता हमारे इन महापुरुषों ने हमारे सामने की है तो हमें भी तो कुछ न कुछ व्यवस्थाएं करनी होगी। हमें ये आजादी के बाद हमारे देश में 28% खेतहर मजदूर थे, 28% लैंडलेस लेबरर थे। 10 साल पहले जो सेंसस हुआ उसमें ये जनसंख्या खेतीदर संख्या 28 से 55% हो गई। अब ये किसी भी देश के लिए चिंता का विषय होना चाहिए कि 28 से हमारा खेतहर मजदूर 55% पर पहुंच गया है और जमीन कम होने के कारण, खेती से जो रिटर्न मिलना चाहिए वो नहीं मिलने के कारण उसके जीवन में ये मुसीबत आई है और वो मजदूरी करने पर किसी और के खेत में जाकर के मजदूरी होने पर मजबूर हो गया है। और दुर्भाग्य है कि हमारे देश में खेती में निवेश जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, सरकार उतना कर नहीं पा रही है, राज्य सरकारें भी नहीं कर पा रही है और किसान खुद भी नहीं कर पा रहा है। जो कुछ भी उसको निकलता है बच्चों को पालने में और घर पेट भरने में उसका चला जाता है और इसलिए निवेश की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जब तक हम निवेश नहीं लाएंगे, जब तक हम हमारी खेती को आधुनिक नहीं करेंगे, हम जब तक छोटे से छोटे किसान की भलाई के लिए व्यवस्थाएं विकसित नहीं करेंगे, हम देश के एग्रीकल्चर सेक्टर को ताकतवर नहीं बना सकते हैं। और इसलिए हमारा किसान आत्मनिर्भर बने, उसको अपनी उपज बेचने की आजादी मिले, उस दिशा में हमने काम करने की आवश्यकता है। और हमारा किसान सिर्फ गेहूं और चावल वहां सीमित रहे उससे भी बात बनने वाली नहीं है। दुनिया में मार्केट क्या है, आज उसके रिसर्च हो रहे हैं, उस प्रकार की चीजों का उत्पादन करें और वो चीजें दुनिया के बाजार में बेचें। भारत की आवश्यकता है हम बाहर से चीजें ना लाएं। मुझे याद है, मैं बहुत पहले जब यहाँ संगठन का काम करता था नॉर्थ पार्ट में, मुझे फारूक साहब के साथ भी काम करने का काफी मौका मिला है, तो मुझे हरियाणा का एक किसान अपने खेत में ले गया। उसने बड़ा आग्रह कहा तो मैं चला गया। छोटी सी जगह थी उसकी, 1-1.5-2 बीघा से जमीन होगी, लेकिन बड़ा प्रगति। तो उसने वो बड़े पीछे पड़ा, आइए आइए। मैंने कहा है क्या बात, वे बोले एक बार आइए तो देखिए। तो मैं गया उसके यहाँ, करीब 30-40 साल पहले की बात है, 30 साल हो गए। उन्होंने क्या किया, दिल्ली के 5-स्टार होटल्स में जो चीजें सब्जियां वगैरह विदेशों से लाते थे उसने उसका स्टडी किया। अगर उनको छोटे कॉर्न चाहिए, उनको छोटे टमाटर चाहिए, और उसने अपनी उस छोटी सी जगह में और रिस्ट्रिक्टेड वातावरण के अंदर लोगों की मदद लेके वो फसल पर। और मजा है कि दिल्ली 5-स्टार के होटलों में उसका माल जाना शुरू हो गया। हमारे देश में थोड़ा सा बदलाव करें हम। अब हमने कभी सोचा है स्ट्रॉबेरी हम बाय एंड लार्ज मानते हैं कि वो ये ठंडे प्रदेशों का है। मैं देख रहा हूँ जी कच्छ के रेगिस्तान में स्ट्रॉबेरी हो रही है, मैं देख रहा हूँ जी मध्य प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर वहां स्ट्रॉबेरी हो रही है, बुंदेलखंड में जहाँ पानी की दिक्कत है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ संभावनाएं हैं, हमारे किसान को गाइड करके हम नई नई चीजों पर ले जाएंगे। मैं जरूर मानता हूँ कि हमारा देश का किसान आगे आएगा, लेकिन उसको ये ठीक है उसका अनुभव ऐसा है कि उसको हिम्मत देनी पड़ती है, उसका हाथ पकड़ना पड़ता है, उसको हाथ लेकर के चलना पड़ता है। अगर वो चल पड़ता है तो कमाल करके दिखाता है। उसी प्रकार से कृषि के अंदर जितने नए रास्ते निवेश बढ़ेगा, मैं मानता हूं रोजगार के अवसर भी बढ़ने वाले हैं और दुनिया में एक हमें नया मार्केट मिल सकता है। हमारे यहाँ ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधारने के लिए एग्रो बीज इंडस्ट्री की संभावनाएं भी बढ़ेगी और इसलिए हमें इस पूरे क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हमने जरूर काम करना चाहिए।
कई विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे किसान ने रिकॉर्ड उत्पादन किया है, कोरोना काल में भी रिकॉर्ड उत्पादन किया है। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हमारे किसान की जो परेशानियां हैं वो कम हो, उनके सामने जो चुनौतियां हैं वो चुनौतियां कम करने के लिए हम कुछ कदम उठाएं, और इन कृषि सुधारों से हम उस दिशा में कुछ न कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। किसानों को एक बराबरी का प्लेटफॉर्म दे पाए, हम आधुनिक टेक्नोलॉजी दे पाए, उनके अंदर एक नया आत्मविश्वास भर पाए, उस दिशा में सकारात्मक सोच की बहुत आवश्यकता है। पुरानी सोच, पुराने मानदंड अब किसानी का भला कर पाते तो बहुत पहले कर पाते। सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन की हम बातें कर ली, हम एक नए तौर तरीके लिए आगे बढ़ने की जरूरत, सबको चिंतन करिए, राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए, ये देश की भलाई के लिए बहुत आवश्यक है, मिल बैठ करके उसको हमने सोचना चाहिए। सभी दल, चाहे सत्ता में हो या विपक्ष में, ये हम सबका दायित्व है, और हमें 21वीं सदी में 18वीं शताब्दी की सोच से हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को, हम उसकी चुनौतियों को पूरा नहीं कर सकते हैं, उसी को हमें बदलना होगा। कोई नहीं चाहता है कि हमारा किसान गरीबी के चक्र में फंसा रहे, उसको जिंदगी जीने का हक न मिले। मैं मानता हूं कि उसको आश्रित रहना न पड़े, उसको पराधीन न रहना पड़े, सरकारी टुकड़ों पर पलने के लिए मजबूर न होना पड़े, ये जिम्मेवारी भी हम सबकी है, और उस जिम्मेवारी को निभाना, हमारे अन्नदाता समृद्ध हो, हमारा अन्नदाता कुछ न कुछ और ज्यादा देश के लिए कर सकें, उसके लिए अगर हम अवसर देंगे तो बहुत सारी। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक बात कहते थे, वो कहते थे, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी यदि परतंत्रता की दुर्गंध आती रहे तो स्वतंत्रता की सुगंध नहीं फैल सकती। जब तक हमारे छोटे किसान को नए अधिकार नहीं मिलते, तब तक पूर्ण आजादी की उनकी बात अधूरी रहेगी, और इसलिए बड़ा बदलाव कर करके हमको हमारे इन किसानों को एक लंबी यात्रा के लिए तैयार करना होगा, और हम सबको मिलकर के करना होगा। गलत कुछ करने के इरादे से जब नहीं होना चाहिए, अच्छा करने के इरादे से होना चाहिए, किसी की भलाई करने के लिए होना चाहिए।